सोने के सिक्के वाली दादी। एक बार की बात है, दूर किसी गांव में एक अमीर किसान लूकस अपनी पत्नी मैरी के साथ रहता था। लूकस बहुत ही रहमदिल और दयालु इंसान था, पर उसकी हिसाब ना रखने की लापरवाही की वजह से उसने अपनी सारी दौलत गवा दी। जल्द ही लूकस गरीब हो गया और उसने अपनी सारी जमीन बेच दी, बस एक छोटी सी झोपड़ी को छोड़ के, जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जब वो अमीर था तो उसने हमेशा एक बच्चे की कामना की थी, पर तब भगवान ने उसकी वो इच्छा पूरी नहीं की। अब जब वो गरीब हो गया है और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, उसके घर में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उनकी जिंदगी में एक आशा की किरण आई। लूकस और उसकी पत्नी बड़े दिनों के बाद खुश थे। अपनी बेटी को गोद में उठाकर लूकस अचानक से उदास हो गया और सोचने लगा, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी इस छोटी सी परी का ख्याल कैसे रखूंगा, और हाँ, इसका नामकरण अब मैं क्या करूँ। मैरी, संभालो इसे, मैं जाकर हमारी प्यारी सी बच्ची के लिए गॉड मदर ढूंढ कर लाता हूँ। वो तेजी से भाग कर एक मजदूर की पत्नी के पास गया, जो पास ही में रहती थी। उसने उससे अपनी बेटी की गॉड मदर बनने के लिए कहा। उस औरत ने मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि लूकस जैसे गरीब आदमी के बच्चे की गॉड मदर बनकर कोई फायदा नहीं होगा। ना सुनकर वो घर आ गया। देखा तुमने लूकस, जिसने अपनी सारी दौलत बर्बाद कर दी, उसका क्या हाल हो रहा है। जब हम अमीर थे तो वो नवाब साहब भी हमारे दोस्त थे, पर अब वो हमारी मदद नहीं करेंगे। उन्हें छोड़ो, मजदूर की बीवी भी हमारी मदद नहीं करना चाहती। बच्ची कांप रही थी और मैरी के पास कंबल तक नहीं था, जिससे वो बच्ची को ठंड से बचा सकती। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने कहा, लूकस मेरी बात सुनो, तुम अभी इसी वक्त नवाब साहब की बीवी के पास जाओ, रोजवुड। वो अमीर है और पक्का वो ये बात नहीं भूली होंगी कि मैं उनके बच्चे की गॉड मदर बनी थी। जाओ और उनसे पूछो कि वो मेरी बच्ची की गॉड मदर बनेंगी। मुझे नहीं लगता वो हाँ कहेंगी, पर फिर भी पूछता हूँ। अपनी पत्नी के कहने पर लूकस उन खेतों को पार करते हुए, जो कभी उसके हुआ करते थे, नवाब साहब की बीवी के पास पहुंचा। रोजवुड खुशी खुशी लूकस से मिली। भगवान ने हमें एक बच्ची दी है, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है आपसे ये पूछने के लिए कि क्या आप नामकरण के दिन हमारी बच्ची की गॉड मदर बनेंगी। ओ प्यारे लूकस, मुझे तुम्हारे लिए करना तो चाहिए था, पर वक्त ही कुछ ऐसा है। आजकल इंसान को एक एक पैसे की जरूरत है, और तुम जैसे गरीबों की मदद करने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तुम किसी और से जाकर पूछो ना, मेरे पास ही मदद के लिए क्यों आए हो। क्योंकि मेरी पत्नी आपके बच्चे की गॉड मदर थी। तो ये बात है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारी तरह दयावान बन जाऊं, तो मैं भी तुम्हारी तरह अपना सब कुछ गवा दूंगी। लूकस निराश हो गया और उसे बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए घर वापस लौट गया। देख लिया तुमने मैरी, वही हुआ जो मैंने तुमसे कहा था, पर तुम निराश मत हो, मैं बच्ची को नामकरण के लिए लेकर जाता हूँ और रास्ते में जो भी पहला इंसान मुझे मिलेगा मैं उसे गॉड मदर बना दूंगा। मैरी ने दुखी मन से बच्ची को एक पुराने कपड़े के टुकड़े में ढका और लूकस को दे दिया। इसका ख्याल रखना। चर्च जाते हुए रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली और उसने उससे पूछा, दादी माँ, क्या आप मेरी बेटी की गॉड मदर बनेंगी। मैं? लूकस ने उसे सारी बात बताई कि कैसे सबने उसके गरीब होने की वजह से उसे मना कर दिया, और उसने फैसला किया कि जो भी रास्ते में पहला इंसान उसे मिलेगा वो उसे गॉड मदर बना देगा। ओह हाँ, मैं इसकी गॉड मदर बनूंगी। लाओ बच्ची को यहाँ मेरी गोद में दे दो।
बूढ़ी औरत और लुकस चर्च पहुंचे। उन्होंने देखा कि पादरी जा रहा है। वो उसके पास गए और लुकस ने पादरी को सारी बात बताई। पादरी को बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा और उसने उसके नामकरण के लिए हाँ कह दी। बिना किसी बड़े जश्न के नामकरण हुआ और बच्ची का नाम रखा गया मरिष्का। मरिष्का, कितना प्यारा नाम है। नामकरण के बाद बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और मरिष्का के कपड़ों में रख दिया। बस इसे मैं अब ये सिक्का ही दे सकती हूँ। इससे तुम इसका पालन पोषण कर सकोगे। ये तुम्हें खुशियाँ देगी। ये बड़ी होगी तो इसकी शादी अच्छे घर में होगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने जमीन को छुआ और तभी वो गायब हो गई। लुकस ने आसपास देखा, वो घबरा गया, पर तभी मरिष्का रोने लगी और वो वापस घर की ओर चल दिया। वहाँ घर पर मैरी लुकस के आने का इंतजार कर रही थी। वो भूख के मारे तड़प रही थी और रोने लगी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही पैसे थे। तभी लुकस घर पहुंचा। अब हमें रोने की जरूरत नहीं। ये लो हमारी बच्ची मरिष्का, और इसके कपड़ों में से नामकरण का तोहफा तो बाहर निकालो। देखो हमारी बच्ची को कितनी अच्छी गॉड मदर मिली है। मैरी ने कपड़ा हटाया और उसमें से एक नहीं बल्कि बहुत सारे सोने के सिक्के निकले। खुशी के मारे वो सारे सिक्के उसके हाथ से जमीन पर गिर गए। ओह लुकस, इतने सारे सिक्के तुम्हें किसने दिए? देखो तो। वही तो, ये देखकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। अब मैं तुम्हें इन सिक्कों की पूरी कहानी सुनाता हूँ। लुकस ने अपनी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाया और फिर लुकस ने जमीन पर पड़े सिक्के इकट्ठे करने शुरू किए। जब वो उठा रहा था तो फिर से हैरान कर देने वाली घटना हुई। वो एक सिक्का उठाता, वहाँ 10 और सिक्के आ जाते। देखते ही देखते वहाँ सिक्कों का ढेर लग गया। मैरी, वो औरत हमारी गरीबी दूर करने के लिए फरिश्ता बनकर हमारे सामने आई। मुझे लगता है कि हम ये पैसे रख सकते हैं। ये चमत्कार है, पर हमें ये छुपाने पड़ेंगे ताकि ये किसी के भी हाथ ना लग पाए। और हाँ, तुम इस बारे में किसी को कुछ बताना मत। मैं नवाब साहब की पत्नी के पास जाकर सिक्के बेचकर पैसे ले आता हूँ। देखो हमें पैसे मिल ही गए फिर से पहले जैसी जिंदगी जीने के लिए। हाँ ठीक है, पर प्लीज ये मत भूलना कि इन पैसों से हमें सबसे पहले अपनी पुरानी जमीन खरीदनी है। हमारा घर, हमारे खेत, हमारी फसलें, और फिर पहले की तरह पैसा बर्बाद नहीं करना है। तुम सही कह रही हो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। इस बार मैं सोच समझ कर दान करूँगा, क्योंकि इस गरीबी ने मुझे बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया है। लुकस ने संदूक में सारे सिक्के रख दिए और वो एक सिक्का लेकर घर से बाहर गया। कुछ देर बाद वो घर आया एक नौकरानी को लेकर, जिसके हाथ में दूध और खाना था। उसने बताया कि नवाब साहब की बीवी ने ये सब भेजा है और बच्ची के लिए दुआएं भी दी हैं। देखा तुमने मैरी, सिर्फ एक सिक्के ने क्या जादू किया। अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास और भी सिक्के हैं, तो वो हमें पलकों पर बिठा लेंगे। मैंने रोजवुड से कहा कि हमारी बेटी को नामकरण के तोहफे में कुछ सोने के सिक्के मिले हैं। अगर वो तुमसे मिलने यहाँ आए तो तुम भी उससे सोच समझ कर ही बात करना। अगले दिन सुबह होते ही लुकस शहर के लिए निकल गया और रोजवुड, जो इसी पल का इंतजार कर रही थी, उसे वो मौका मिल गया। वो सिक्कों के बारे में पता लगाने मैरी के पास पहुंची। कैसी हो मैरी? आखिरकार भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हें बेटी दी है। ओह, अगर तुम तोहफे की बात कर रही हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं, पर हाँ, भगवान उस औरत का भला करे जो मेरी बेटी की गॉड मदर है। कुछ देर बात करने के बाद रोजवुड चली गई। रास्ते में जाते जाते
उसने आसपास के लोगों को लूकस के सिक्कों के बारे में बताया। जल्द ही पूरे गांव में ये बात फैल गई कि लूकस के पास सोने के सिक्के हैं। लूकस ढेर सारा खाना, फर्नीचर और बच्ची के लिए बेड लेकर घर आया। उसने अपना पुराना खेत और बैल भी फिर से खरीद लिए। ये लूकस की नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसने मेहनत से काम किया और वो सबक हमेशा याद रखा जो उसे गरीबी ने सिखाया था। दूसरी तरफ रोजवुड जंगल में, पूरे शहर में और हर जगह उस गॉड मदर को ढूंढते हुए भटक रही थी ताकि उसे भी वो तोहफा मिल सके, पर उसे वो कभी नहीं मिली। दिन गुजरते गए और लूकस और मैरी अपनी बेटी मरिश्का के साथ बहुत खुश थे। इतनी धन दौलत होने के बाद भी उनका सबसे बड़ा खजाना उनकी बेटी थी। वो बड़ी हुई और इतनी खूबसूरत थी कि सब उसे देखते ही रहते। एक दिन वो एक राजकुमार से मिली और उसकी शादी हो गई। इनकी कहानी आपको फिर कभी सुनाएंगे। और रही बात लूकस और मैरी की, तो उन्होंने पैसे को सोच समझ कर इस्तेमाल किया और हमेशा खुश रहे। लूकस हमेशा की तरह अब भी उतनी खुशी से दान देता और उसके मन में कभी लालच नहीं आया। उसने अपने खर्चे और कमाई का हिसाब रखा। उसने सीखा कि अगर हम कुछ पैसा जोड़ें तो मुश्किल वक्त में वो पैसा हमारे काम आता है।